जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद आज नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण दस्ता उन गलियों में पहुंचा जहां से उपद्रवियों ने ईंट और पत्थर पुलिस के ऊपर बरसाए थे। वही गलियों में रखे ईंटों को अब नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता हटाने का काम शुरू कर दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि आगामी आने वाले शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन एहतियात में सुरक्षा के मद्देनजर भी यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कोई भी उपद्रवी अब प्रशासन के ऊपर या आसपास इलाकों में पत्थरबाजी न कर सके। इसके लिए भी गलियों में पड़े पत्थरों और ईंटों को साफ किया जा रहा है। गलियों में यह भी साफ तौर पर देखने को मिला कि काफी संख्या में यहां पर ईंटें रखे गए हैं। यह वही गलियां हैं जहां से उपद्रवियों ने प्रशासन के ऊपर टीन और पत्थर की बौछार की थी। तो शुक्रवार को जो पत्थरबाजी हुई थी, तो उसी को वो देखते हुए कि पुनः ये वो भविष्य में इस तरह का कोई ये वो गतिविधि ना हो और हिंसा ना हो, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है। अच्छा, क्या आशंका है कि यहाँ से पत्थर उठा सकते हैं? नहीं, आशंका नहीं है। इतना पुलिस है, फोर्स है और पूरी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये वो सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। इन्हीं गलियों से ये कार्रवाई की जा रही है आगामी शुक्रवार को देखते हुए, एहतियात के तौर पे ये वो सावधानी बरतने के लिए। देखो, इन्हीं गलियों से पत्थर उठा के मारे गए थे, इसीलिए हटाए जा रहे हैं। हाँ, जो भी वो इंसिडेंट हुआ है उसी को उसी से बचने के लिए।